सब्सक्राइब करिए दोस्तों रोड राइडर्स ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दीजिए बेल का आइकन प्रोडक्ट रिव्यूज मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, दिस इज मी एसकेर। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रोड राइडर्स ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंजन कूलिंग सिस्टम्स के बारे में। और मैंने कल एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि CC, BHP, RPM, बोर, टॉर्क, ये सब चीज़ों के बारे में सिंपल तरीके से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो आप ज़रूर देख ले, तो उसमें आपको एक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंजन कूलिंग सिस्टम्स के बारे में, जैसा कि मैंने कहा। और यहाँ पे बेसिकली कंपनी तीन तरीके का इंजन कूलिंग सिस्टम बनाती है, लिक्विड कूलिंग, एयर कूलिंग और ऑयल कूलिंग। जैसा कि आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस में भी आपने देखा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एयर कूलिंग क्या होता है। तो एयर कूलिंग जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है एयर कूलिंग का, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। एयर कूलिंग में ऐसा होता है कि जो फिन्स है वो बनाई जाती है इंजन के साइड से। अगर फिन्स के बारे में आपको जानना है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, आपको आई बटन पर लिंक आ रहा होगा उसका, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। एयर कूलिंग में ऐसा है दोस्तों कि जो एयर है वो फिन्स के ज़रिए पास होता है और इंजन जो है ठंडा होता है जब बाइक चलती है हमारी। और बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है जो कि आपको हर गाड़ी में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप 100cc बाइक में भी देखें या फिर रॉयल इनफील्ड जैसे 500cc बाइक में भी आप देखें तो आपको एयर कूलिंग उसमें देखने को मिलता है। तो एयर कूलिंग काफ़ी आसान रहता है और काफ़ी इजी है, क्योंकि इसमें अलग से आप लोगों को रेडिएटर वगैरह फिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसका एक और एडवांटेज भी है कि इसमें जो इंजन है वो ऑप्टिमम तरीके से ठंडा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको एयर के भरोसे रहना पड़ता है। तो जब आपकी बाइक चल नहीं रह रही होती है तो इंजन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इंजन थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है एयर कूलिंग सिस्टम में। बेसिकली एयर कूलिंग लोअर सीसी बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, क्योंकि इंजन उस लेवल पर गर्म नहीं होता है कि हमें ऑयल कूलिंग या फिर लिक्विड कूलिंग की उसमें ज़रूरत पड़े, ख़ास करके 100cc या फिर 150cc तक या उससे नीचे भी। तो वहाँ पर आपको एयर कूलिंग आसानी से देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं ऑयल कूलिंग पे। ऑयल कूलिंग क्या है? ऑयल कूलिंग पे दोस्तों वहाँ पे एक हमें एयर कूलर प्रोवाइड कर दिया जाता है और जो हमारा इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल को बाहर निकाला जाता है पाइप के ज़रिए और उस एयर कूलर में, एयर कूलर के जो वेंट्स है उसके थ्रू ऑयल पास होती है और वापस इंजन में उसको भेज दिया जाता है। तो इससे क्या होती है कि ऑयल जो है हमारा इंजन ऑयल वो ठंडा हो जाता है और जो ठंडा इंजन ऑयल है वो इंजन को भी थोड़ा बहुत ठंडा करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एयर कूलिंग सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिन्स भी रहते हैं साथ में इंजन को ठंडा करने के लिए। तो देखा जाए तो ये 2-in-1 सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा और इस वजह से जो इंजन का टेम्परेचर है वो काफ़ी ऑप्टिमम तरीके से ठंडा होता है और काफ़ी ये चीप भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल कूलर का जो फंक्शन है वो ज़्यादा महंगा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड कूलिंग। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट हमारा इंजन कूलिंग सिस्टम है, लिक्विड कूलिंग, जो काफ़ी ज़्यादा आपको अभी हाई एंड बाइक्स में देखने को मिलता है। तो ये इंजन कूलिंग जो सिस्टम है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू ऑयल कूलिंग और एयर कूलिंग, क्योंकि इसमें हमें रेडिएटर का यूज़ देखने को मिलता है जो अलग से लगाया जाता है फ़ैन, और इसमें इस इंजन में कोई भी फिन्स नहीं लगे हुए रहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटोज पे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कूलिंग डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है इसके रेडिएटर पे और इसमें जो कूलेंट प्रोवाइड किया जाता है उसके ज़रिए ये इंजन जो है ठंडा होता है। इंजन के अंदर यहाँ पे कूलेंट के पॉकेट्स लगे हुए रहते हैं, तो उसमें आके कूलेंट जमा होता है और जैसे जैसे आपका इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है बाइक का, वो कूलेंट जो है धीरे धीरे वेपर होकर उड़ता जाता है और जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पे एक थर्मोस्टैट लगा हुआ रहता है। थर्मोस्टैट वो एक डिवाइस है जो हीट को सेंस करते हुए वाल्व को ओपन कर देता है, जिससे जो कूलेंट है वो वापस जो है बाइक के इंजन में आती है और फिर बंद हो जाती है जैसे ही इंजन ठंडा हो जाता है। तो वो धीरे धीरे कूलेंट को जो है थर्मोस्टैट भेजते रहता है बाइक के इंजन में और पॉकेट्स में जो कूलेंट है वो जमा होता है और बाइक ठंडी होती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉकेट्स का यूज़ होता है, जो इंजन के साइड में पॉकेट्स बने हुए रहते हैं और थर्मोस्टैट का काम है कि टेम्परेचर को सेंस करते हुए अगर बाइक का इंजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें कूलेंट को अलाउ करना बाइक इंजन के अंदर आने के लिए। और यहाँ पे आपको रेडिएटर का भी यूज़ होता है, जो पंखा है वो, क्योंकि यहाँ पे फिन्स लगे हुए नहीं रहते हैं तो इसलिए रेडिएटर जो है उसको ठंडा करता है लगातार बाइक के इंजन को, फ़ैन घूमता है अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों लिक्विड कूलिंग है वो काम करता है।
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ये है कि यहाँ पे रेडिएटर फ़ैन रहता है हमारा, और कूलेंट है उसके लिए भी अलग से जगह दी जाती है, और साथ ही साथ जो इसका थर्मोस्टेट वगैरह लगा हुआ रहता है, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, काफ़ी महंगा टेक्नोलॉजी है और हाई एंड बाइक्स में आपको देखने को मिलता है। और हाई कंप्रेशन रेशियो वाली बाइक्स जिसमें इंजन काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करती है, काफ़ी हीट प्रोड्यूस करती है, तो उनमें आपको ये टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, एयर कूलिंग, ऑयल कूलिंग और लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है हमारे बाइक इंजन्स में। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, अगर यूज़फुल रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। और आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सजेशन है तो कमेंट सेक्शन पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।